कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति के नटराजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2019 के लोकसभा चुनाव के एक मामले में रेवन्ना के चुनाव को अमान्य घोषित किया है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन को हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी 24 करोड़ की अधिक की इनकम छिपाई थी। प्रज्वल जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। प्रज्वल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले पार्टी के एकमात्र सांसद थे। उनकी सांसदी रद्द होने के बाद अब लोकसभा में जेडीएस के पास कोई सदस्य नहीं है। लोकसभा चुनाव में प्रज्वल ने बीजेपी उम्मीदवार ए मंजू को हासन सीट से हराकर जीत हासिल की थी। नतीजे आने के बाद मंजू ने 26 जून 2019 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रज्वल ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त दिए हलफनामे में अपनी इनकम की गलत जानकारी दी थी। उन्होंने संसदीय क्षेत्र की जनता को गुमराह कर चुनाव जीता है, ऐसे में उनकी सांसदी रद्द कर दी जाए। कोर्ट में एडवोकेट ने याचिकाकर्ता ए मंजू का पक्ष रखा। कोर्ट ने प्रज्वल को अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अमान्य घोषित कर दिया है। वे मंजू ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि रेवन्ना ने फॉर्म नंबर 26 में गलत जानकारी दी थी और ये कोर्ट में साबित हो गया है। हालांकि कोर्ट ने मंजू की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कोर्ट से खुद को विजेता घोषित करने की मांग की थी। उनके खिलाफ भी चुनाव में गड़बड़ी के आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने उनकी दलील खारिज कर दी। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील अभी कर सकते हैं। बता दें, हासन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की परंपरागत सीट रही है। उन्होंने काफी लंबे समय तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने पोते को ये सीट दे दी थी। उस वक्त वो रोते हुए भी दिखाई दिए थे। बाद में 2019 के चुनाव में जीतने वाले एकमात्र जेडीएस उम्मीदवार रेवन्ना बन गए। अब हाईकोर्ट के आज के फैसले के बाद इस सीट पर फिर से चुनाव होने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।